अंदर मंथली एक्सपायरी थी, और होप करता हूँ गाइस आपने भी इस एक्सपायरी का यूज़ करके, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट आन किया होगा। बात करें हमारी, तो हमने तो भाई कॉल और पुट दोनों ही साइड में प्रॉफिट आन किया था। और जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो, मैं डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल पर निफ्टी का व्यू शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगेन मैंने पर्टिकुलर वीडियो में, मीन्स कल की वीडियो में ये बताया था, मार्केट के अंदर ये पर्टिकुलर हाई लगा था, देन मार्केट शार्पली यहाँ पे करेक्ट हुआ, एंड करेक्ट होने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, एंड देन वहीं से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट रिकवरी आई। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मार्केट का जो शॉर्ट रिकवरी का हाईएस्ट पॉइंट था, उस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा था। तो अगेन जो मार्केट का अपर साइड में लेवल था ना, वो 18,145 का था, एंड लोअर साइड में जो रेंज थी, मीन्स सपोर्ट था, वो 17,954 का था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और दोनों ही साइड में मैंने प्रॉफिट अर्न किया। चलिए एग्जैक्टली बताता हूँ कि मैंने अपना जो पर्टिकुलर ट्रेड था वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जीक्यूट किया। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए 5 मिनट के चार्ट पर मूव करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है, और जैसे कि गाइस आप सभी जानते होंगे, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ये देखिए समवेयर मार्केट के अंदर जो गैप आया था, वो इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास गैप आया था, मीन्स मार्केट ने इतना ह्यूज गैप बनाया था आज के ट्रेडिंग सेशन में। देन मार्केट ने एक हाई बनाया, एंड देन अगेन मार्केट उस पर्टिकुलर हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, देन मार्केट दोबारा से करेक्ट हो गई, देन दोबारा से मार्केट के अंदर रिकवरी आई। लेकिन अगेन जो रिकवरी आई थी मार्केट की, उस रिकवरी ने मार्केट का जो 15 मिनट का हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, एंड देन वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि यहाँ से प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट वीक है, और एग्जैक्टली मार्केट थोड़े टाइम तक वीक ही रहा। तो मुझे जैसे ही एक कैंडल दिखी जो उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन किया, कम्प्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट किया, देन मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अगेन जो मैंने पुट ऑप्शन बाई किया था, वो इस इंटेंशन के साथ बाई किया था कि भाई मेरे को इसमें स्कैल्प करना है। तो मैंने पुट ऑप्शन वो 100 रुपये में बाई किया, और जैसे ही बाई किया वैसे ही मैंने सेल साइड में ऑर्डर लगा दिया 110 का। तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन ने जो हाई लगाया था वो 111 रुपये का लगाया था, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर 110 पे बुक हो गया। मैं मॉर्निंग में 10 पॉइंट अर्न करके निकल गया। आज तो एक्सपायरी थी, तो दोनों ही साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। तो अगेन जो डे का हाई था वो मैंने एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया, और जो डे का लो था वो एज अ सपोर्ट मार्क किया। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मार्केट काफ़ी टाइम तक इस पर्टिकुलर रेंज में ही खेलता रहा, मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक किया ही नहीं। और जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक किया, वैसे ही मार्केट शार्प रिकवर। यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन बाई नहीं किया था। अगेन मुझे पता था कि मार्केट के अंदर ये ट्रैप हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर को, मीन्स यहाँ पर अलझाने के लिए इस तरीके से। तो अगेन मैंने एक कंफर्मेशन का वेट किया, डे का जो गैप था उस पर्टिकुलर गैप को फिल किया, और सेकंड जो मार्केट के लिए हर्डल जोन थी 18,145 की, मार्केट ने उस पर्टिकुलर जोन को भी ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर 18,150 का कॉल ऑप्शन बाई किया। उस टाइम पर उस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा था वो 10 रुपये चल रहा था। कॉल ऑप्शन का जो हाई था वो 49 का था, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट बुक हुआ यहाँ पर 45 पे हुआ। तो एग्जैक्टली गाइज आप भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का यूज़ करके मार्केट से यूज़ एंड कोई प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बेसिकली लर्निंग यही है कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, नॉलेज। नॉलेज इट्स मीन आपको प्राइस एक्शन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकेंड, पेशेंस।